हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय। अजय आईएएस मोटिवेशन में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। सो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। आप लोग घर वाले कैसे हैं, फैमिली कैसी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक को बात करने वाले हैं, ये पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। इस वीडियो में इस टॉपिक बात करने वाले, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। सो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहेंगे जो भी भाई बहन और दीदी, जो लोग जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर, ताकि अभी गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले आपके पास जाए। गवर्नमेंट की सारी नोटिफिकेशन, सारी वैकेंसी सबसे पहले आपके पास जाए। तो इसलिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने भाई को। सो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अपने टॉपिक पर चलते हैं कि पूछेंगे क्यों, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, अगर जब आपको इस ट्यूशन ज्वाइन करना था तो आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया। अब कोचिंग में जानते हैं कि कम से कम नहीं तो 50-60 बच्चे एक बैच में बैठते हैं। किसी भी अगर छोटे भी अगर कोचिंग सेंटर हो तो उसमें 15 से 20 बच्चे से नीचे कोचिंग बैठाते नहीं है पढ़ने के लिए। तो अगर 15-20 बच्चों के क्राउड एरिया रिकॉर्डिंग में, अगर क्राउड एरिया में आप आते हैं तो आपको तो जरूर बोर्डिंग की चीज़ें समझ में आएंगी, जो सर पढ़ा रहे हैं उनकी चीज़ें जरूर समझ में आएंगी। अगर नहीं आते हैं तो आपका मन ऑटोमेटिक नहीं लगेगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ हाँ हाँ करते चले जाएंगे, ना नोट करेंगे। बस इतना तो जरूर करेंगे कि आप जो लिखा हुआ है बोर्ड पे वो अपने रब पे उतार सकते हैं और हाँ हाँ कर सकते हैं। ये फर्स्ट कारण है आपका पढ़ाई में मन ना लगने का, कि जब कोचिंग ज्वाइन ट्यूशन ज्वाइन करना तो कोचिंग ज्वाइन कर लें। इसका मतलब ये है कि आपका बेस मजबूत पूरी तरह से नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है उसके रिकॉर्डिंग आपका बेस नहीं सही है, इसीलिए आपका कोचिंग में मन नहीं लगता, पढ़ने में आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। सबसे पहले बता दो, इस कोचिंग छोड़ के आप इस ट्यूशन ज्वाइन करने का फ़ायदा बहुत अच्छा है। फायदा ये कि इस ट्यूशन में आपको बेसिक चीज़, सबसे पहले आपका तो नेह मजबूत हो जाएगा, नेह जो होती है जो घर का ना वो मजबूत हो जाएगा, इतना घिस जाएगा, इतना रिविजन कर लेंगे, आपका नेह मजबूत हो जाएगा। इस ट्यूशन का फ़ायदा और एक ये भी है दोस्त कि इस ट्यूशन ज्वाइन करने से कि आप अपने अंदर की जितनी भी कमियां वो सर के आगे पेश कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्यूशन में सिर्फ 5-6 बच्चे रहेंगे, आप सारी कमियां अपने इस ट्यूशन पेश सकते हैं, कोचिंग में नहीं कर सकते। क्योंकि 15-20 बच्चों के अंदर कितने लोग ये होते हैं कि अरे यार कैसे सर को बोलूँ कि हमको ये नहीं आ रहा है, सब बच्चे क्या कहेंगे। ये लाज और डर, ये दो चीज़ इंस्टीट्यूशन बनी रह कोचिंग बनी रहती है सॉरी, और इंस्टीट्यूशन में ये सब कुछ नहीं रहता। इंस्टीट्यूशन में आप खुल के सर से बात कर सकते हैं, खुल के अपनी कमी को पेश करेंगे, तो खुल के अपनी कमी को पेश करेंगे तो आपको सबसे पहले फ़ायदा ये होगा कि सर आप जो कहेंगे वही सर पढ़ाएंगे, बेसिक से आपकी कमी लेके चलेंगे ऊपर। जब आपका नेह मजबूत होता चला जाएगा तो ऊपर की चीज़ें आराम से समझ में आएगी। तो इसलिए सारे दोस्तों की तरफ, जिनकी अगर बेस मजबूत नहीं है तो आप कोचिंग छोड़ के इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर ले, कम से कम नहीं तो 6 महीना इंस्टीट्यूशन जरूर कर लें। 6 महीना में इतना तो जरूर हो जाएगा कि आपका बेस तो पकड़ पकड़ के चलेंगे, अच्छे सर मिल जाएंगे तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहला ये कारण है पढ़ाई मन नहीं लगेगा कि आपको जब बेस मजबूत नहीं है सही ढंग से, जो पढ़ाया जा रहा है जो पढ़ रहे हैं आप वो समझ में नहीं आ रहा है। बेस मजबूत नहीं रहेगा तो समझ में ऑटोमेटिक नहीं आएगा। और दूसरा कारण ये है पढ़ाई मन न लगने का, दूसरा कारण ये है कि जो सर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, जो सर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं वो उस चीज़ों को आप देख रहे हैं तो ये करे कर ये तो मेरे को आ रहा है, ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, ये मेरे को आ रहा है, बस आदत छोड़ के आप इधर मस्ती करने लग रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग में भी इधर मस्ती करने लग रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि वो मेरे को आ रहा है। ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर वो मेरे को आ रहा है तो सर बता रहे हैं मैं देख ला लूँ, क्योंकि अगर मेरे फार्मूले से वो फार्मूला छोटा क्यों हो जाए तो बहुत बेटर है। अगर वो फार्मूला सर शॉर्टकट बता रहे हैं तो बहुत बेटर फार्मूला है, क्योंकि दोस्त एग्ज़ाम में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। अगर कोई सर फार्मूला बता रहे हैं तो आप ये ना कहें कि वो मेरे को आ रहा है। अलग अलग राइटर के बुक इसलिए पढ़ जाते हैं कि हर राइटर के बुकों में कुछ ना कुछ जरूर पॉइंट रहते हैं, हर राइटर के बुक में कुछ ना कुछ जरूर पॉइंट छिपे रहते हैं, इसलिए अलग अलग राइटर के बुक पढ़े जाते हैं। अगर आपको जो फार्मूला समझ में आ रहा है, अगर उस फार्मूले से शॉर्टकट वो सर का फार्मूला है तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये ना आप कहें कि नहीं वो मेरे को आ रहा है, क्योंकि आपको एग्जाम में भारी पड़ सकता है। अगर आप लंबे फार्मूले पर लगा रहे हैं, अगर आपको टाइम इस एक ही मैथ एक ही सवाल में लगा देंगे तो आपको एग्जाम में भारी पड़ जाएगा। तो शॉर्टकट जो फार्मूला बता रहे हैं सर, उस चीज़ों पर आप नोटिस किया करिए,
इस कोचिंग सेंटरों में। सो दोस्तों इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया करिए आप लोग कि शॉर्ट कट जितनी फार्मूला है उसको समझने का। अगर आपका फार्मूला है तो उसे छोड़ दीजिए, लंबा फार्मूला आप सर जो बता रहे हैं उस फार्मूले पर इंटरेस्ट जगाइए कि नहीं हमको समझना है। ये दो कारण है दोस्तों बताना चाहेंगे। और दोस्तों मैं एक बात आप लोग से हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि इंसान से बड़ा ताकत किसी चीज़ में है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा ताकतवर परमाणु बम चलाने वाला इंसान ही है। तो आपके अंदर वो चीज़ है पहले के बनमानुष थे जो एक एक दिन में क्या से क्या बड़ी से बड़ी मंजिलें खड़ा कर देते थे, एक एक दिन में बड़ा से बड़ा काम कर देते थे। बस उनके अंदर एक चीज़ नहीं थी, सोचने की क्षमता, क्या गलत क्या सही, ये सोच पे ही डिपेंड करता है क्या गलत क्या सही है। ये चीज़ नहीं था उन लोग के अंदर। जब उन लोग के अंदर ये चीज़ नहीं था तो वो बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर लेते थे, बड़े से बड़े मुकाम पे चले जाते थे, बड़े से बड़े मंजिल खड़ा करते थे एक दिन में। जब आपके अंदर ये चीज़ बैठा के भगवान, उन लोग को चार चीज़ें थी, सिर्फ चार ताकत थी, जब आपके अंदर पांचवा ताकत भर दिए भगवान, जब आप उनसे भी ज़्यादा ताकतवर हो, क्या इतने बड़े से बड़े मंजिल नहीं हासिल कर सकते हैं? स्वयं कर सकते हैं दोस्त। अपने अंदर की कमियों को पहचानिए और आगे बढ़िए और फोकस हमेशा पढ़ाई पर करिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भाई को जरूर कर दे। ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ जो आपके अंदर आग लगा देगी। आपको जो पढ़ने वाले नहीं बच्चे हैं वो मैं वादा करता हूँ, अगर नहीं पढ़ने पढ़ाई चालू कर दें तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ आपको।